हेलो एंड वेलकम टू ई लर्नर्स। तो आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट वर्डिक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी के ऊपर। तो इसमें स्टेट्स का क्या पावर रहेगा, सेंटर का क्या पावर रहेगा, इनके ऊपर क्या रिलेशनशिप रहेंगे, ये सब देखेंगे। उससे पहले देखेंगे कि डीजीपी एक्चुअली होता क्या है और उनका पोस्ट का अपॉइंटमेंट पहले कैसे होता था, ठीक है। और एक केस भी है जो कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, तो उसके ऊपर भी थोड़ा नजर डालेंगे। तो पहले देखिए, द हिंदू में ये आर्टिकल आया था कि डीजीपी अपॉइंटमेंट के तहत जो भी स्टेट्स है, ठीक है, उनको अगर अपना डीजीपी अपॉइंट करना है तो उनको पहले यूपीएससी से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं डीजीपी क्या होते हैं। द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज ए 3-स्टार रैंक एंड द हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इन इंडियन स्टेट्स, ठीक है। तो कोई भी इंडियन स्टेट हो या फिर इंडियन टेरिटरीज हो, उनके सबसे हाईएस्ट रैंक जो होते हैं उनको डीजीपी बोलते हैं, ठीक है, स्टेट्स पुलिस के। तो इनको काफी बार स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके लेवल के सेम टू सेम रैंक जो होते हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजंस या फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फिर सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल, ये सब इनके इक्वल रैंक होते हैं, ठीक है। तो देखिए, डीजीपी के अब तक जो चयन का प्रक्रिया था या फिर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था, उसमें स्टेट का जो पॉलिटिकल पार्टी था उनका बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहता था, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। उससे पहले देखते हैं कि ये जो सारे हमारे पुलिस के रेगुलेशन है, ये 1861 के पुलिस एक्ट ऑफ 1861 के तहत होता है। तो इसके तहत कुछ इनका क्लॉज देखते हैं। तो इनका जो फर्स्ट क्लॉज है, द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 लार्जली गवर्न्स इंडियन पॉलिसीज फॉर्मिंग एमिंग एंड मेक देम मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स। तो देखिए, सारे स्टेट्स को उनके एक पुलिस फोर्सेस रहना चाहिए उनके पास, और इनका सारा जो पावर इनका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहना चाहिए ताकि क्राइम डिटेक्शन में इनको आसानी हो। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू एस्टैब्लिश इट्स ओन पुलिस फोर्स, ठीक है, इसका क्लॉज टू में ये लिखा हुआ है पुलिस एक्ट का। फिर तीसरे क्लॉज में ये लिखा है कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ द इन द स्टेट गवर्नमेंट, तो जो पुलिस के सुपरिंटेंडेंट रहने वाला है या फिर डीजीपी रहने वाला है, इनका चूज भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी होगा वो करेंगे इसका चूज, ठीक है। तो इसके ऊपर एक केस गया था जो कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। तो प्रकाश सिंह क्या थे, ये एक आईपीएस ऑफिसर थे, सीनियर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। तो इनको बाद में डीजीपी बना भी दिया गया था। तो ये एक जब बीएसएफ से रिटायरमेंट लिया, तो इन्होंने 1996 में एक पीआईएल लॉन्च किया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लॉन्च किए थे, जिस पीआईएल का द लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑफ द पीआईएल केम इन 2006। तो 1996 में ये पीआईएल लॉन्च किए थे और उसका जो वर्डिक्ट आया था ये 2006 में आया था। इसके तहत क्या था, इन व्हिच सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन स्पेसिफिक डायरेक्शंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू कैरी आउट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द पुलिस विथ ए व्यू इंसुलेटिंग इट फ्रॉम एक्सटेंसियस प्रेशर एंड मेकिंग इट अकाउंटेबल टू द पीपुल। तो क्या था इसमें, इस वर्डिक्ट में यह दिया गया था कि सेंटर और स्टेट अपना अपना पुलिस खुद चूज करे, और स्टेट के पास ये पावर हो कि वो अपना डीजीपी कैसे चूज करे, कौन चूज करे, और स्टेट को अपना पुलिस फोर्स मेकिंग में उनको अपना सेपरेशन चाहिए। तो ये सारे इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के वर्डिक्ट में था 2006 का। इसको अभी ओवरटर्न करके सुप्रीम कोर्ट ने नया वर्डिक्ट जारी किया है। तो देखते हैं अभी का जो रिसेंट वर्डिक्ट है इसमें क्या है। ए बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा पास्ड अ सीरीज ऑफ डायरेक्शंस ऑन एन एप्लीकेशन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ ए सितंबर 22, 2006 जो कि प्रकाश सिंह के केस का वर्डिक्ट था। तो इसमें जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे प्रकाश सिंह, उनके मॉडिफिकेशन जो वर्डिक्ट का मॉडिफिकेशन किया था, एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो क्या था इसमें, अभी जो वर्डिक्ट में क्या क्या है देखते, पॉइंट्स देखते। स्टेट गवर्नमेंट शुड हेंसफोर्थ सेंड देयर प्रपोजल्स फॉर डीजीपी टू द यूपीएससी बिफोर 3 months ऑफ द इनकमेंट, जो कि अभी के जो हाल ही के डीजीपी है इनके रिटायर होने के 3 महीने पहले स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अभी के कि कुछ डीजीपी के लिस्ट बनाना पड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली ये सीनियर मोस्ट जो रहते हैं स्टेट पुलिस में आईपीएस ऑफिसर्स, उनको चूज किया जाता है और उनका एक लिस्ट बना के यूपीएससी को भेजना पड़ेगा। उसके बाद यूपीएससी क्या करेंगे, इसमें से चूज करेंगे, चूज करके फिर स्टेट को वापस भेजेंगे, ठीक है। द यूपीएससी विल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 3 officers फिट टू बी जीडीपी इन द स्टेट एंड सेंड बैक देम टू स्टेट, ओके।
देन द स्टेट शैल इमीडिएटली अपॉइंट वन ऑफ द पर्सन शॉर्टलिस्टेड बाय द यूपीएससी. तो इसमें यह नहीं कि स्टेट से पावर छीन लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है. बस स्टेट को क्या करना है, अब एक लिस्ट रिकमेंडेशंस भेजना है और उससे यूपीएससी क्या करेगा, छाट के 3 लोगों को यूपीएससी रिकमेंड करेगा और उसके ऊपर स्टेट अपने उनमें से कोई एक को चूज कर सकता है. ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए पहली बात स्टेट के जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डीजीपी के अपॉइंटमेंट में. और अभी आंध्र प्रदेश के केस में ये वर्डिक्ट भी आया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा हो चुका है कि उनका डीजीपी का अपॉइंटमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर हो कि वो डीजीपी को चूज करे तो उन्हीं डीजीपी को चूज करेंगे जो कि उनके फेवर में हो. और एक प्रॉब्लम भी था उसमें, वो 2006 के केस में वर्डिक्ट में था कि अगर कोई रिटायर होने वाला है जो कि हमारे आईपीएस ऑफिसर्स के रिटायरमेंट के एज है वो है 60 ईयर्स, ठीक है, लेकिन अगर उनको डीजीपी के पोस्ट में प्रमोट कर दिया जा रहा है तो वो डीजीपी के 2 साल और रह सकते हैं. ठीक है, तो इसको भी खत्म कर दिया गया है अभी जो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट वर्डिक्ट में. तो ये जो 2 साल था वो उनके सर्विस पीरियड के इंक्रीमेंट के अंदर ही होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि कोई जो आईपीएस ऑफिसर है वो 59 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स के वर्ष पे है और उनका भी रिटायरमेंट होने ही वाला है और उनको डीजीपी को प्रमोट करके एडिशनल जो 2 साल का एक पीरियड उनको ग्रेस पीरियड दिया जाए कि वो डीजीपी के तहत नौकरी कर ले. तो ऐसा नहीं होगा, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कानून पार कर दिए हैं. ठीक है, द बेंच ऑल्सो सेड दैट एंडेवर शुड मेड दैट ए पर्सन हु हैड बीन सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड एज डीजीपी हैज ए रीजनेबल पीरियड ऑफ सर्विस लेफ्ट. तो ये जो रीजनेबल पीरियड ऑफ सर्विस लेफ्ट, इसका मतलब वही जो मैं बता रहा था कि 60 साल का इनका सर्विस होता है उसके अंदर, मतलब मैक्सिमम जो है वो आप 58 साल के जो पर्सन है उनको डीजीपी अपॉइंट कर सकते हैं जिससे कि वो 60 साल में रिटायर हो जाए और उनका कोई भी सर्विस बचे ना. ये नहीं कि आप 59 या फिर 60 के वर्ष के लोगों को अपॉइंट कर दे डीजीपी के तहत. ठीक है, द अपेक्स कोर्ट ऑल्सो रूल दैट एनी रूल और स्टेट लॉ दैट सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स दैट इज डीजीपी विल बी केप्ट एन अबेंस. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई स्टेट के पास अपने खुद के रूल बनाने वाले हैं या फिर कोई रूल उनके लेजिस्लेशन में है तो उनको क्या करेगा, अभी फॉर द टाइम बीइंग वो सस्पेंड कर दिया जाएगा. ठीक है, अबेंस का मतलब ये होता है कि टेम्पोररी सस्पेंड होता है, तो अभी ये फॉर द टाइम बीइंग ये सस्पेंड कर दिया जाएगा ये रूल्स वगैरह. फिर देखते हैं द बेंच हाउएवर ग्रांटेड लिबर्टी टू द स्टेट्स व्हिच हैव ऑलरेडी मेड द लॉज ऑन पुलिस अपॉइंटमेंट्स. तो अगर कोई स्टेट पहले से बना चुका है, ठीक है, अपना जो उनका खुद का रूल्स रेगुलेशन है वो खुद का बना चुके हैं तो उनके पास ये फ्रीडम है कि वो इनका मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिला दे. ठीक है, तो ये सारे अभी का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के, इसको आप ध्यान से देखिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.